तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अम्ब्रेला मशीन की सिलाई छोटी बड़ी कैसे कर सकते हैं और कहाँ कहाँ तक आपको बड़ी सिलाई मिलेगी और कहाँ पे आपको नॉर्मल सिलाई बड़ी मिलेगी। और बहुत लोग जो रेडीमेड काम करते हैं जैसे पाइपिंग वाइपिंग का ज़्यादा स्पीड वाला काम चाहिए, तो उसके लिए सबसे बढ़िया मशीन अम्ब्रेला ही होती है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसकी जो है सिलाई छोटी बड़ी कैसे करते हैं और चलाने का सही तरीका। जैसे मैंने देख लिया नॉर्मल पूरा तागा वागा सब डाल लिया है, वो सबको डालना आता होगा तागा, तो इसमें मैंने रख दिया है कपड़ा लगा दिया। अभी सिलाई लगी देखिए आपके पास, एक नंबर पे लगी, सिर्फ ये एक नंबर पे सिलाई लगी हुई है। तो अब जो मैं सिलाई करता हूँ इस पर, और ये मैं हैंडल से चला रहा हूँ, कोई पौधान से नहीं चला रहा हूँ। ये देखिए अभी एक नंबर की सिलाई है, ये देखिए एक नंबर की सिलाई कितनी है, इतनी आई सिलाई। अभी जो है आपको मैं थोड़ा सा और जो है इसको लाता हूँ उसको दो नंबर पे, ये आ गए ठीक से दो नंबर पे एकदम आगे परफेक्ट। अब चलाता हूँ मैं, अब ये देखिए मैं आपको पहले निकाल के दिखाते पूरा। ये देखिए दो नंबर की सिलाई, कितनी बड़ी सिलाई आ रही है, बढ़िया सिलाई आ रही है एकदम। ये देखिए बैकग्राउंड में भी एकदम फिनिशिंग दार सिलाई आ रही है। ये आपको रेडीमेड की एकदम बेस्ट मशीन रहती है। छोटी मशीनों में ये होता है कि घरेलू टाइप से काम हो जाता है, लेकिन इसमें जो है अम्ब्रेला में आपके एकदम बढ़िया काम होगा और आवाज़ भी कम होती है इसमें। इसके लिए आपको फिर जो मैं जाऊँगा इसके बाद जो आता है तीसरे नंबर की सिलाई, ये आपको इससे बड़ी मिलेगी समझ लिए। आपको फिर मैं बता भी दूंगा, ये देखिए आपको पूरी पूरी मैं सिलाई लगा के दिखाऊंगा पूरा, फिर आपको समझ में आए कि कहाँ पे कितनी लंबी सिलाई मिलती है। ये देखिए आप बगल में दो नंबर की थी और एक नंबर की थी, अब ये देखिए आप नॉर्मल पूरी तीन नंबर की सिलाई एकदम बढ़िया आ रही है। अब आपको मैं जो है इससे बड़ी सिलाई करके दिखाऊंगा। अभी आता हूँ मैं, इसमें पाँच नंबर तक होती है, ये देखिए आगे मैं चार नंबर पर, ये मैं हैंडी चला रहा हूँ। ये देखिए मैंने कपड़ा जो है न्यू मोड़ लिया, ये देखिए चार नंबर की सिलाई है एकदम बढ़िया रेडीमेड वाली, जो एकदम फुल चलाते हैं वो होती है पाँच नंबर की। ये देखिए मैं पाँच पे लिया एकदम, इससे बड़ी सिलाई नहीं होती है। ये देखिए कि इसके आगे जो है घड़ी आपकी घूमेगी नहीं जितनी भी आप कोशिश करेंगे, क्योंकि इसमें लगी थी पिन, ये सबसे फुल ज़्यादा चलेगी, सबसे ज़्यादा जो है बड़ी सिलाई है देखिए, ये एकदम चार सिलाई कहते हैं। ये छोटी मशीन से काफ़ी बड़ी सिलाई होती है, ये देखिए एकदम एकदम टाग कितना बड़ा इसका। तो ऐसे ही आप जो है छोटी मशीन की सिलाई अगर आपको सेट नहीं करना आती है या छोटी बड़ी नहीं कर पाते हैं, तो इस वीडियो के द्वारा जो है आप इसको सीख सकते हैं। और इसके लिए एक और होता ऑप्शन, उस वीडियो में मैं आपको वही बताता हूँ कि बहुत लोग जो है जैसे पक्का नहीं करते, छोटी मशीन पक्का करने का सिस्टम नहीं आता, लेकिन इसमें पक्का करने का सिस्टम आता है। ये देखिए ये चीज़ होती है बैक करने की, अगर आप इसको चलाते समय बैग मारेंगे तो मैं पहले सिलाई को छोटी छोटी कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ बैग किसे कहते हैं। ये देखिए ये जो है इससे आप जो सिलाई को एकदम परफेक्ट मजबूती से कर सकते हैं। जैसे आप देखिए मैं चला रहा हूँ तो मान लीजिए कपड़ा जो है, ये देखिए इससे आप नीचे से दबाइएगा तो कपड़ा का ऑटोमेटिक पक्की हो जाएगी सिलाई। आपको मैं एक दो बार करके दिखाता हूँ, तो मैं पौधा चला नहीं रहा, मैं हैंडल चला रहा हूँ, इससे मैंने कल वीडियो बनाई थी जो आप लोगों ने देखी होगी। अब आपको जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका ये जोड़ है, तो आप मान लीजिए इसको पक्का करना है, तो इस चीज़ को आपको नीचे दबा लें, जो दबा लें और मैं हैंडल से मशीन चलाऊंगा, क्या होगा ये सिलाई एकदम आपको पक्की हो गई। उसके बाद आप इसको छोड़ दें और आपकी नॉर्मल मशीन सीधी चलने लगेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। लेकिन ये फंक्शन जो आपको छोटी मशीन में नहीं मिलता है। तो बस यही था आज की वीडियो में कि अम्ब्रेला मशीन की आपकी सिलाई छोटी बड़ी कैसे करना है सीखे, और बैक मारना इसको मतलब कि बैक कह सकते हैं या पक्का भी करना कह सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दिया, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दिएगा।